हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग द जंगल बुक का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये आपका इंग्लिश लिटरेचर है। हम लोगों ने पिछले क्लास में द जंगल बुक का जो स्टोरी था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ओके, बी आंसर द क्वेश्चन वेरीफाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, व्हाई वाज मोगली लिविंग विथ अ वुल्फ फैमिली दो ही वाज अ ह्यूमन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, मोगली वाज लिविंग विथ वुल्फ फैमिली बिकॉज हिज पेरेंट्स वाज किल्ड बाय शेर खान। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड मोगली स्पेंड हिज डे इन द जंगल। क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड मोगली स्पेंड हिज डे इन द जंगल। आंसर आपका हो जाएगा, मोगली स्पेंड हिज डे इन जंगल बाई प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स बलू एंड बगीरा। ठीक है, आंसर आपका है, मोगली स्पेंड हिज डे इन जंगल बाई प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स बलू एंड बगीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड एवरीवन वार्न मोगली अबाउट शेर खान। ओके, आंसर आपका है, एवरीवन वार्न्ड मोगली अबाउट शेर खान that soon he is going to kill him. Okay? अब यहाँ देखिए फोर नंबर है। फोर नंबर में हम लोग देखेंगे कुछ आपके सेंटेंस लिखे हुए, उस पर आधारित आपका उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले देखेंगे फोर नंबर, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, रीड द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टोरी के कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं जिसे पढ़ के उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, वी शुड गो अराउंड द माउंटेन एंड क्लाइम टू द टॉप विदाउट शेर खान सिंग अस। ठीक है, ये स्टोरी का एक सेंटेंस है जो आपको दिया हुआ है और इस सेंटेंस से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हु सेड दिस सेंटेंस आंसर आपका हो जाएगा, मोगली। ठीक है, बी नंबर, टू Whom was it said? Answer: He said this sentence to the 8 bulls. Okay. C number: Who were they heading from? Answer: आपका हो जाएगा शेर खान. D number: What was their plan? आंसर क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज देयर प्लान। आंसर आपका हो जाएगा, देयर प्लान वाज टू किल शेर खान। ठीक है, देयर प्लान वाज टू किल शेर खान। अब यहाँ देखिए सी नंबर, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है, वाज किलिंग शेर खान अ गुड आइडिया, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर आपका हो जाएगा, यस किलिंग शेर खान वाज अ गुड आइडिया बिकॉज इफ शेर खान वुड वी लेफ्ट एलिव ही वुड कंटिन्यू टू किल ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड वुड सर्व्ड हिज टेरर।
ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर टू, डू यू थिंक मोगली मिस्ड लिविंग विथ हिज ह्यूमन फैमिली, वाई नॉट। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डू यू थिंक मोगली मिस्ड लिविंग विथ हिज ह्यूमन फैमिली, वाई नॉट। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा नो, मोगली डिडंट मिस्ड लिविंग विथ हिज ह्यूमन फैमिली बिकॉज इन फॉरेस्ट मोगली गॉट अ वुल्फ फैमिली हु टुक केयर ऑफ मोगली एंड ऑल्सो मोगली मेड न्यू फ्रेंड्स एंड दे वेयर बलू द बियर एंड वगीरा द पैंथर। सो मोगली प्लेड विथ दैम एंड मदर उल्फ टुक केयर ऑफ मोगली एंड दैट इज वाई मोगली नेवर मिस्ड हिज ह्यूमन फैमिली। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर हो गया। इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसे आप लोग रिमेंबर कीजिएगा। ठीक है, आपका होमवर्क है रिमेंबर द क्वेश्चन आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।